मेरा सपना था फैशन डिज़ाइनिंग करने का और एक फैशन डिज़ाइनर बनने का, जो कि इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, तो नहीं था क्योंकि हर एक पेरेंट की तरह मेरी मम्मा भी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, और जो कि कहीं ना कहीं उनका भी सपना था, लेकिन मैं डीप डाउन मैं चाहती थी मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं और अपने बचपन का सपना जो है वो पूरा करूं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मना नहीं कर पाई घर पे, और नीट का फॉर्म मेरा भर चुका था और मैंने लेकिन नीट का एग्ज़ाम स्किप कर दिया, मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, और दो दिनों के बाद मैं अपनी मामा को बोल रही हूँ कि मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। थोड़ा सा गुस्से में आके और डिसअपॉइंट होके उनने बोला कि अब आप कुछ नहीं हो सकता, अब आप जाओ मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश, आपको करना पड़ेगा MBBS। तो जो ही हम पासपोर्ट ऑफिस पहुँचे वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो मैंने उस मिसिंग डॉक्यूमेंट को साइन लिया अल्लाह की तरफ से, और मैंने अपनी मामा को भी कहीं ना कहीं राज़ी कर लिया एक चीज़ के लिए कि ये अल्लाह की तरफ से साइन है और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लूँ। तो फिर उन्हें भी लगा कि नहीं, ये नहीं मानेगी कुछ और, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही इसके लिए ठीक रहेगा। और वहाँ से जाके मैंने SMD कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया और मैं वहाँ चली गई। वहाँ पर हमारी HOD इंशा काजी, उसने मेरे फ्यूचर को और मेरे ड्रीम्स को एक शेप दे दी। फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक इंटर्नशिप की एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, तो वहाँ से जाके मैंने मूवीज़ में काम किया, मैंने एड शूट्स किए, मैंने शॉर्ट फिल्म्स की एज अ फैशन डिज़ाइनर एंड अ फैशन स्टाइलिस्ट। और वो सब करके रिसेंटली मेरा एक शो आया है टाइम्स फैशन वीक ऑफ दिल्ली में, जहाँ पे मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर गई थी, एज अ डिज़ाइनर गई थी, और मेरे दो टीममेट्स भी थे मेरे साथ। वहाँ जाके मैंने अपनी जो कलेक्शन है, हमारी जो कलेक्शन है, वो रिप्रेजेंट की थी, और जो हमारी कलेक्शन थी वो बहुत अलग थी, जैसे कि डिज़ाइनर्स की होती है, ब्राइडल होती है, उनकी हाई एंड मटेरियल होता है, हाई एंड फैशन होता है, हमारी अलग थी। हमारी क्या थी, हमारी जो पूरी कलेक्शन थी वो डिस्कार्डेड आइटम से बनी थी, वो वेस्ट से बनी थी, वो उन चीज़ों से बनी थी जो यूजुअली लोग फेंकते हैं, हमने उससे बनाई, हमने अपना जो आसपास का माहौल है उसको ठीक करने के लिए हमें लगा कि कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, और हमने यही स्टेप लिया कि हमने उन चीज़ों से अपनी कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उस कलेक्शन को बनाने के लिए हमें 6 महीने लग गए। ये नहीं था कि हमने सब कुछ लाया, हमने सोर्स किया है, हम वहाँ गए हैं जहाँ वो चीज़ें वेस्ट हो रही थी, हमने वहाँ से उठा के उनको क्लीन करके हमने उनको यूज़ किया अपनी कलेक्शन में। तो हमारी कलेक्शन में बलून्स यूज़ हुए हैं, हमारी कलेक्शन में पेपर प्लेट्स यूज़ हुए, पेपर कप्स यूज़ हुए, रिबन्स यूज़ हुए हैं, रोप्स यूज़ हुई है, हमारे कलेक्शन में लीव्स यूज़ हुए हैं, जो रियल लीव्स थे वो यूज़ हुए, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी आम तरह ज़िंदगी में फेंक देते हैं और हमें लगता है कि ये कोई यूज़ की नहीं चीज़ है। वो चीज़ें हमारी कलेक्शन में यूज़ हुई थी, और वो जो शो था वो बहुत हिट था, और सबका रिस्पांस इतना अच्छा था कि हम बहुत खुश हो गए इस रिस्पांस से। पहले तो हम डर रहे थे कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सारे लोग बोलेंगे क्या लाया है इन लोगों ने कश्मीर से, यहाँ नेशनल लेवल पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा था कि ये पहली बार था कि जम्मू एंड कश्मीर से कोई जा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जा रहा है, कोई डिज़ाइनर जा रहा है, और हमें लगा था कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ही हमारा शो स्टार्ट हुआ, जो ही मॉडल्स ने वॉक किया, हमारा शो जो था वो बहुत हिट था, और हमें माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिला सबसे। मैं यंग यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करो। मुझे लगता है मैं हमेशा वही करियर अपने लिए चूज़ करना चाहिए, हमें वही चीज़ें यूज़ करनी, हमारे लिए वो रास्ता चुनना चाहिए जिसमें हमें पहले से इंटरेस्ट हो। ये नहीं, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कश्मीर में, हमें जो पेरेंट्स बोलते हैं, हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं उसके अंदर, हम वही चूज़ करते हैं, और आगे जाते के हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। मैं नहीं चाहती हूँ हमारी जो यंग यूथ है उनको कहीं आगे जाके रिग्रेट फील हो।
और मैं किसी को इनक्रेज भी नहीं कर रही हूँ जिसका ड्रीम फैशन डिज़ाइनिंग नहीं होगा आप वो फैशन आप फैशन डिज़ाइनिंग करो, नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप करो, आप लड़ो उस चीज़ के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस चीज़ में बहुत अच्छा करोगे। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।